क्या आप अपनी जिंदगी से हार चुके हो, थक चुके हो इस जीवन के थपेड़ों से? घर हो, ऑफिस हो, चाहे खुद का रिलेशनशिप, हर जगह फेल हो चुके हो और ये फेलियर आपके अंदर तक कहीं घुस चुका है। अपनी ही लाश लिए इस दुनिया में फिर रहे हो और इंतजार कर रहे हो इस जीवन के खत्म हो जाने का। अगर ऐसे ही हालात में जी रहे हो ना दोस्त, तो आज का ये 20 मिनट अपनी जिंदगी को जरूर देना। ये 10 बातें आपको सीखनी ही होगी। आज का ये वीडियो बेस्ड है इस किताब पर जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ, जिसकी ऑथर है लुईस हे, एक ऐसी हीलर जिसने सैकड़ों लोगों को एक साथ हील किया है और एक ऐसी किताब जिसने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बचाया है, संभाला है, उबारा है। इस किताब में छुपे 10 बातें जिसे सीख लिया ना आपने, जिसे अपने अंदर संभाल लिया ना आपने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है, अंदर संभाल लिया ना आपने तो हर स्थिति से उबरना आपको आ जाएगा। अगर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो तो खुश रहना सीख जाओगे और खुश हो तो हैप्पीएस्ट लाइफ जियोगे। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धीरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं रिलेशनशिप इश्यूज, बिहेवियरल साइकोलॉजी और हीलिंग साइंस के बारे में, जिन्हें सीखकर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। आज का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव है, बहुत ही गहरी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को आप बिगाड़ करके बड़े बड़े दुखों को, कलेश को अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित करते हो और जिंदगी से हारा हुआ महसूस करते हो। पहला रूल जो लुईस हे ने लाइफ में हमें सिखाया है वो ये, सेल्फ लव। हर कोई सुना है इस नाम को, हर कोई जानता है, कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समझना सेल्फ लव क्यों ज़रूरी है। आप चाहते हो कि दूसरे आपसे प्यार करें, आप चाहते हैं तो कि दूसरे आपको पसंद करें, आप चाहते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, लेकिन क्या आप कभी अपने आप से प्यार करते हैं? कभी आईने में देख के खुद से कहते हैं आई लव यू, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो? कभी खुद से कहा है? नहीं। कभी छोटे बच्चों को देखा है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको कभी अपने लुक्स को लेके इनसिक्योरिटी होती है, कभी अपने बिहेवियर को लेके कॉम्प्लेक्स होता है, कभी उनको ये परेशानी होती है कि उन्हें अच्छे से इंग्लिश नहीं आती या उनकी लैंग्वेज साफ नहीं है। बस वो अपनी मासूमियत से सेल्फ लव में इतने ईजली रहते हैं। नॉट ओनली सेल्फ लव, उनके अंदर एक अनकंडीशनल लव होता है खुद के लिए और दुनिया के लिए, सब के लिए। छोटे बच्चे कभी भी अपनी कमियों को लेके इनसिक्योर नहीं होते। वो ये नहीं सोचते कि हाँ मेरे सर में बाल कम है, कि मेरी नाक अच्छी नहीं है, कि मेरे आँख अच्छे नहीं है, कि मेरे पैर छोटे हैं, कि मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आस पास का जो माहौल है हमें ये सब चीज़ें सिखा देता है और धीरे धीरे हम सेल्फ लव से दूर चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे हमें पसंद करें, हम चाहते हैं दूसरे हमें प्यार करें और उसकी जतन में हम लग जाते हैं। हम अच्छे कपड़े खरीद रहे हैं, अच्छी लैंग्वेज सीख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज सीख रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी बात है, करना ही है, लेकिन इन सब में हम अपने आप से इतना दूर क्यों आ जाते हैं? ये सब करके तो हमें अपने आप को और ज़्यादा पसंद करना चाहिए। अरे यार, अगर आज मैं अच्छे कपड़े पहनाऊँ तो अपने आप को और ज़्यादा प्यार करूँ ना, और ज़्यादा पसंद करूँ ना, और अट्रैक्ट हूँ ना। ये क्योंकि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई कहीं, अरे यार प्रेस नहीं है, अरे यार ड्राई क्लीन नहीं है। इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी और कमियाँ खुद पर निकालना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। दूसरा पॉइंट जो हमें सिखाया गया है कि बी माइंडफुल ऑफ योर वर्ड्स, मतलब कि जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, उसके बारे में माइंडफुलनेस होना ज़रूरी है। यानी कि यार, हम हमेशा लोगों से डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, हमेशा अपनी कमियों को डिस्कस करते हैं, लाइफ में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही, जो भजन चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसी के बारे में ही मैक्सिमम टाइम सोचते हैं। कोई पूछ रहा है क्या हाल है, हाँ सब ठीक तो है यार, लेकिन सबसे पहला थॉट क्या आ रहा है, हाँ कि मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, कि घर का बिजली बिल नहीं पटा है, कि घर में ये हो रहा है, कि वाइफ के साथ प्रॉब्लम है, कि गर्लफ्रेंड के साथ सबसे ही नहीं चल रहा है, कि ऑफिस में प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती है। देखो, ये सच है कि हमारे अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म है कि हम प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तभी तो उसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि हम सॉल्यूशंस के बारे में सोचना छोड़ करके सिर्फ प्रॉब्लम्स को ही सोचते रहते हैं, एनालाइज करते रहते हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चंस के बारे में ही सोचेंगे तो आंसर कैसे लेकर आएंगे? तो मुद्दा ये है, अगर सोचना भी है तो आंसर्स के बारे में सोचिए, सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। देखो, चिंतन ठीक है, मंजन ठीक है, मंथन ठीक है, लेकिन चिंता करते रहना इट्स नॉट गुड, राइट?
तो हम चिंतन को भी हम साइड करते हैं, हम करेंगे मंजन और मंथन। जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई हैं उसके बारे में सिर्फ मंथन करेंगे या मंजन करेंगे, क्योंकि हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो डायरेक्ट फॉर्म में यूनिवर्स को हम मैसेज दे रहे हैं। हम जो भी सामने वाले बैठे हुए बंदे को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम यूनिवर्स के सामने ही इस बात को स्प्रेड कर रहे हैं कि हम ऐसे ही हैं और यही हमारी लाइफ में चल रही है और यही चलनी चाहिए। मुद्दा ये है कि जब भी हम प्रॉब्लम्स को ही डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे आसपास की एनर्जी वैसे ही हो जाती है, आसपास की वाइब्रेशन वैसे ही हो जाती है, और उस वजह से वैसे ही प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में और ज़्यादा मैनिफेस्ट होने लग जाती है, और ज़्यादा पैदा होने लग जाती है, और हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, डोंट बी रिजल्टफुल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने अंदर झांक के देखो, आपके अंदर कितनी सारी नफरत भरी हुई है ना जाने कितने सारे लोगों के लिए। किसी ने आपको कुछ कहा है, कभी किसी ने आपको डोमिनेट किया है, कभी आपको किसी ने नीचा दिखाया है, कभी किसी ने आपका मजाक उड़ाया है, कभी आपकी लुक्स को लेकर, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर, आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को लेकर के। कभी कभी ब्रेकअप में, जो रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप होता है, तो दोनों पार्टनर एक दूसरे को कुछ कुछ बोल के जो गए होते हैं, तो वो चीज़ें जो दिमाग में रहती है, वो कितनी नफरत भरी होती है। सोचो यार, अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक महंगी कार खरीद रहे हो, और आप ये सोच के खरीद रहे हो कि ये कार लेने के बाद तो सामने वाले की जल जाएगी, आज उसको दिखा दूंगा कि मेरे पास कितनी महंगी कार है। लेकिन ऐसा करके भी अगर आपने कार खरीद भी ली, तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो जल भी रहा होगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो जल रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको खुशी मिल ही नहीं रही है, तो मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा ले गया। ये बात और है कि मैनिफेस्टेशन नफरत वाली वाइब्रेशन में अगर आप हो, तो मैनिफेस्टेशन तो होगा ही नहीं, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस को पा ही नहीं पाओगे। तो अपनी वाइब्रेशन को अच्छी बनाइए, लोगों के लिए जो भी नफरत है उसे कागज में लिखिए और जला दीजिए, और अपने अंदर हाई फ्रिक्वेंसी को लेके आइए, प्यार, दया, अच्छाई, सच्चाई, इस तरह की अच्छी वाइब्रेशंस को लेकर आइए। लर्न हाउ टू थिंक सक्सेसफुली। दोस्तों, समझ लो कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और ये हमेशा चल रहा है, चाहे आप इसे चलाओ या ना चलाओ, ये हमेशा चल रहा है। और आपका कंट्रोल अगर इस पर नहीं है, आप इस पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलेगा। कि भाई देखो, यूनिवर्स का एक रूल है कि अच्छी चीज़ें खा लो, नहीं तो बुरी चीज़ों को खाना पड़ेगा। अच्छे दोस्त बना लो, नहीं तो बुरे दोस्त अपने आप बन जाएंगे। अच्छी संगत रख लो, अच्छी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लो, नहीं तो बुरा एटमॉस्फेयर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि इस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सीखते जाओ। सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, मेरी वीडियोस देखो, अच्छे ऑथर्स की वीडियो देखो, अच्छी ऑथर्स की बुक पढ़ो, तो इससे आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर कंप्यूटर का तो बेसिक कोर उसकी प्रोग्रामिंग ही होती है। अगर प्रोग्रामिंग पर आपकी पकड़ आनी शुरू हो जाएगी, तो कंप्यूटर अच्छे से चलेगा और अपनी आप लाइफ और ब्यूटीफुल होने लगेगी, आपका कंट्रोल आपकी लाइफ में आने लगेगा। क्योंकि अगर आप इसे अपने फेवर में, अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये आपके खिलाफ काम करने लगेगा। पॉइंट नंबर 5, हेल्प अदर्स। अब यहाँ पे हेल्प अदर्स सुनते ही ना लोगों का दिमाग बजने लगता है कि यार, मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं करूँगा। नहीं, यहाँ पे बात पैसों की नहीं हो रही। अगर आपके पैसे नहीं हैं, आप किसी को मोरल सपोर्ट कर सकते हो, किसी को मोटिवेट कर सकते हो, किसी को अच्छा बता सकते हो, किसी की तारीफ़ करके उसे उसकी क्वालिटीज़ बता सकते हो। लाइफ में जितने भी आज की डेट में आप सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरे लोगों के लाइफ में क्वालिटी ऐड हो रहा है, क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है। तो अगर आप किसी की लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो रोज़ या हर हफ्ते कुछ ऐसा काम कीजिए कि किसी की लाइफ की क्वालिटी आपकी वजह से बेहतर हो रही है। जब भी हम कुछ देने की कोशिश करते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं गिवर बन जाते हैं। टेकर तो हम है ही, टेकर तो हमको बनना ही रहता है हमेशा, लेकिन जब भी हम कुछ देने की कोशिश करते हैं ना, तो हम गिवर बनने लगते हैं। और समझना, एक गिवर और टेकर का एक कॉन्सेप्ट समझना, कि टेकर है एक बाल्टी और गिवर है एक नल। नल अगर जब भी खुलता है तो कहाँ से कनेक्ट होता है, सीधे टंकी से, जहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है। और टेकर एक बाल्टी है या एक ड्रम है, वो उतना ही लेगा जितना उसके पास है। लेकिन जब आप गिवर बनते हो, तो आपके पास भरपूर, यूनिवर्स आपका के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स खोल देता है कि आप दे सको।
और ऑब्वियसली बात है, अगर आप दे सकते हो तो आप उसे अपने लिए भी तो यूज़ कर ही सकते हो ना। सिक्स, बी काम। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में, हम और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, और ज़्यादा उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं, और ज़्यादा टेंशन, एन्जाइटी, चिड़चिड़ाहट में फंसने लग जाते हैं। हमारे बॉडी हार्मोन्स भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं हमारे साथ कि हम और ज़्यादा उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोच करके और ज़्यादा भड़कने लगते हैं। लेकिन यहीं पर आपको समझना है कि प्रॉब्लम्स के बारे में ऐसा नेगेटिव रिएक्ट करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले आपको कीप काम मोमेंट में आना पड़ेगा। डीप ब्रीथ कीजिए, कीप काम मोमेंट में आइए और सोचिए, अपने आप को बताइए, मोटिवेट कीजिए कि इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा, इस प्रॉब्लम से मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ और जब इस प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट कर लूँगा तो मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊँगा। इस तरह की बातें जब आप बार बार अफर्मेशन फॉर्म में अपने आप से कहते हैं तो आपका ब्रेन इस बात को मानने लगता है और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपको आसपास ही मिल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि काम रहिए, शांत रहिए, अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शांत रहने से ही आपको आपके जवाब मिलेंगे। डू अफर्मेशंस। अफर्मेशन क्या होता है? अपने आप से कही हुई कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लाइंस जो हमारे अंदर घर करने लगती है, जो वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अफर्मेशन क्या सिर्फ शब्द होते हैं? जी नहीं, हम जो बोल रहे हैं सिर्फ वो अफर्मेशन नहीं है, एक्चुअली में जो हम सोच रहे हैं। देखो, बोलना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम बोलेंगे उसको हम सुनेंगे तो हम उसको सोचेंगे, लेकिन अंदर में जो चल रहा है वो भी तो अफर्मेशन ही है ब्रो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने लिए अच्छे अफर्मेशंस तैयार कीजिए और उसे बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि जो आप अपने अंदर बार बार चलाते हैं वही आपके आसपास के वर्ल्ड में, यूनिवर्स में पैदा होता है। अफर्मेशंस के बहुत सारे तरीके हैं, खुद से बार बार कहना, लिखना या सुनना, लेकिन सबसे बेस्ट अफर्मेशन का जो तरीका है वो ये, जो आज तक बहुत ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट किया है, वो ये कि सुबह उठते ही जब पहली बार आप आईना देखते हो और देखने के बाद अपने लुक्स को लेकर के गलत सोचना शुरू करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करते हो, सबकॉन्शियसली अपने लास्ट डे में हुए जो प्रॉब्लमेटिक बातें उनके बारे में सोचते हो, वहीं पे आपको शिफ्ट करना है इस चीज़ को कि जब आप आईने में अपने आप को देख रहे हो तो अपने आप को देखते हुए, अपने आँख से आँख मिलाते हुए या अपने थर्ड आई पे देखते हुए अपने आप से कुछ अच्छी बातें करना है। शुरुआत ऐसे करेंगे, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, कितने हैंडसम हो यार, तुम्हारी फिटनेस बड़ी खूबसूरत है, तुम इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो, तुम इतनी अच्छी लाइफस्टाइल कैसे जी लेते हो, तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, तुम्हारे नाक कितने अच्छे हैं, तुम्हारे पास इतने अच्छे दोस्त कहाँ से आते हैं, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स इतने अच्छे हैं यार, काश मेरे पास भी होते। इस तरह की बातें जब आईने वाले बंदे से आप कहते हो ना, तो डायरेक्ट फॉर्म में आपके अंदर ही घुस रहा होता है, और आप देखना, सिर्फ एक हफ्ते करके देखो और बताना कि क्या रिजल्ट आया। अगला है, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब उनके लाइफ में सब कुछ चल रहा होता है तब वो कुछ नहीं कर रहे थे, आराम से अपनी लाइफ को पार्टीज़ में, दोस्तों के साथ मस्ती में, वेब सीरीज़ देख करके ख़राब कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत है। जब आपकी लाइफ में अच्छा वक्त चल रहा होता है उस टाइम आप अपने आप पे वर्क करना चाहिए, अपने फिटनेस पे वर्क कीजिए, अपने नॉलेज पे वर्क कीजिए, अच्छी बुक्स, अच्छी किताबें, अच्छी सोच, अच्छे दोस्त, अच्छी जगह पे घूमिए, इस तरह से अपने आप पे वर्क कीजिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए। यार ये कुछ ऐसा है कि आप वेट कर रहे हो कि जब आपकी तबीयत ख़राब होगी तब आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाओगे, तब आप सुबह जल्दी उठोगे, फ्रूट्स खाओगे, सैलड्स खाओगे, और जब तक तबीयत सब ठीक है तब तक ख़राब चीज़ें खाते रहो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें अपने अच्छे वक्त में, कि जब आपकी लाइफ में कोई टफ टाइम आए तो आप इमोशनली, मेंटली और वाइब्रेशनली स्ट्रॉन्ग बने रहें, ताकि आप अच्छे से उसे डील कर सकें। अगला है, बी थैंकफुलनेस। आपके पास जो भी है, जितना भी है, आई नो अभी आपको पूछेंगे तो आप यही बोलेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त के पास कार है, मेरे इसके पास बाइक है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मुझे सब 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 शिकायत शिकायत शिकायत। भाई समझो यार, आपके पास है, दो पैर हैं, दो हाथ है, दो आँखें हैं, नाक से आप सूंघ पा रहे हो, अच्छे से खुशबू ले पा रहे हो, ऑक्सीजन ले पा रहे हो, आपके आसपास ऑक्सीजन है, आपके माँ बाप, चलो अगर कोई नहीं है तो कोई तो है आपके साथ ज़िंदगी में, आप अकेले नहीं हो, के पास कुछ तो है जो अगर ना भी होता तो आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ आपको एहसान में मिला है, हर चीज़ आपको फ्री में मिला है।
तो जो भी है आपके पास वहीं से उतने से ही थैंकफुल होना शुरू कर दीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। और आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े ऑथर्स ने इस बारे में बताया है, साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को बताया कि जब भी आप थैंकफुल होते हैं आप लाइफ में और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, और जब भी आप शिकायत में होते हैं आप अपनी लाइफ में शिकायत को ही मैनिफेस्ट करते हैं। अगला है बिलीव योरसेल्फ। यार अपने आप में बिलीव करना ज़रूरी है, और अपने आप में बिलीव करने के लिए सबसे पहले आपको इस यूनिवर्स पे, उस खुदा पे, उस बनाने वाले पे बिलीव करना ज़रूरी है। उसने आपको बनाया है, क्या इतना काफ़ी नहीं है? अगर वो कुछ ना देना चाहे तो आपकी एक रुपए की औकात नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ अपने से बना सको या ले के आ सको इस दुनिया में। तो अगर आप कुछ भी कर पा रहे हो, मतलब आपको कुछ तो दिया जा रहा है ना, तो बिलीव करो उस देने वाले पे, और बिलीव करो अपने आप पे कि आप उससे जुड़े हुए हो और आपको सब चीज़ें मिल रही है। बस यहाँ बिलीव होता है ना दोस्त, तभी कोई चीज़ें आती है, तभी कोई चीज़ें बनती है। आप अफर्मेशन करते हो और शिकायत करते हो कुछ नहीं बदल रहा। दोस्तों आपने दिन में 2 या 3 बार पॉजिटिव अफर्मेशन किया, लेकिन आप सोचो ना दिन भर में आप कितने बार नेगेटिव अफर्मेशन अपने अंदर कर रहे हो। आपको हमेशा अपने आप में बिलीव रखना है, और जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तुरंत उसे डिस्ट्रॉय करना है, उसे क्रैश करना है, और उसके बदले अपने पॉजिटिव थॉट्स को रिप्लेस करना है। पॉजिटिविटी से कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा, उसको छोड़ो, लेकिन अभी आप एनर्जेटिक रहोगे, अभी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लड़ने के लिए, अपनी खुशियों को एंजॉय करने के लिए। प्रॉब्लम ये है यार कि लोग इस तरीके से अपने आप को ट्रेन कर चुके हैं कि लाइफ में जब खुशियां भी आती हैं ना तो वो और ज़्यादा डरने लगते हैं, और ज़्यादा घबराने लगते हैं कि ये खुशी को जब कोई छीन जाएगा, जब ये जो खुशी है जब निकलेगी तो हम कैसे डील करेंगे। यार आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? नेगेटिव फॉर्म में रहने की, कमियों में जीने की? आप तैयारी कीजिए कि आप खुशियों में कैसे जिएंगे, जब सब कुछ अच्छा होगा तब आप कैसे जिएंगे, इस चीज़ को सोचना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, बिलीव योर सेल्फ। इन सारे पॉइंट्स को आपको रोज़ फॉलो करना है, रोज़ कोशिश करो कि आज, सिर्फ आज, आज के लिए सारे पॉइंट्स को मैं फॉलो करूँगा। अगर कुछ मिस हो भी जाए तो कल का दिन फिर से है। एवरी डे इज़ न्यू बिगिनिंग। आप रोज़ नई शुरुआत कर सकते हो दोस्त। कभी ये मत सोचना कि आज का दिन ख़राब हो गया या कल का दिन ख़राब हो गया तब कुछ नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ ऐसे ही रहेगी, वो नहीं बदल सकती, कुछ नहीं हो सकता, बस ऐसे ही मौत का इंतज़ार करना है और अगले जन्म में फिर से एक नई शुरुआत करना है। नहीं, आज का दिन बीत गया, कोई दिक्कत नहीं है, कल का दिन एक नई शुरुआत होगी। हमेशा ध्यान रखना कि आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आप कौन सी वाइब्रेशन में है, कौन कैसी फीलिंग्स पे है। जब भी आप लो फील करो तुरंत वहाँ से निकलो, कहीं जाओ, डांस करो, म्यूजिक लगाओ, सुनो, मेडिटेट करो, हंसो, खेलो, दोस्तों से मिलो। और कभी भी एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो, कभी भी आप लो फील कर रहे हो, कभी भी आप एंजाइटी फील कर रहे हो, तुरंत उस जगह से निकल जाओ, कहीं जाओ, पेड़ पौधों के पास जाके बैठो, ज़मीन में जाके बैठो, चिड़ियों को देखो, पत्तों को देखो, नए लोगों को देखो, भीड़ वाली जगहों पे जाओ, लोगों को हंसता हुआ देखो, खेलता हुआ देखो, जो भी है इस यूनिवर्स को देखो, और वापस आके अपनी वाइब्रेशंस को हमेशा अच्छी करने की कोशिश करो, और हमेशा अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना है, हमेशा अपने आप को अपने बारे में अच्छा बताना है। अगर आप रिलेशनशिप में भी कहीं फंसे हुए हो तो अपने रिलेशनशिप में क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई उन बारे में बात करना है। अगर रिलेशनशिप में झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, तो अपने पार्टनर को ये बोलो कि यार हमारे बीच में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अगले कुछ दिन हम बात नहीं करते, और जब हम बात करेंगे तो सिर्फ अच्छी बातों से ही शुरुआत करेंगे और अच्छी बातों को ही करेंगे जो हमारी लाइफ में अच्छी बीती है। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ को हील कर सकते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखो यार, आप इस अभी जो भी उम्र में होगे, शायद उतना ही या उससे ज़्यादा ही आपके पास बचा है। जैसे कि मैं करीब करीब 30 का होने वाला हूँ, तो मेरे पास शायद 30-40 साल ही और बचे हैं। मतलब लाइफ बहुत छोटी है ना, अब इतनी छोटी सी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स को लेके कैसे जी सकते हैं? और अगर 30 साल बचे भी हैं, सपोज 40 साल मेरे बचे भी हैं, तो उसमें से 20 साल मुझे सोना है, नींद में रहना है, ज़िंदगी बची है 20 साल की। तो ऑल ओवर बात यह है दोस्त कि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे हमेशा करने की कोशिश कीजिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस हम बनाते रहेंगे, खूबसूरत टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।